वेलकम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर में जो है मैंने आपसे जो डिस्कस करना है वो चैप्टर टू है, प्रॉपर्टीज़ यूज टू कैरेक्टराइज मटीरियल। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मिड टर्म्स के, उनमें से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सेकेंड जो है डेंचर बेस्ड पॉलीमर है, तो मुझे स्टार्ट तो ये वाला करवाना था। सिंथेटिक पॉलीमर तकरीबन जो है मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं चैनल पर, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बस दो ही तीन टॉपिक है जो कि मुझे करवाने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। बाकी मुझे जो है डेंचर बेस्ड पॉलीमर स्टार्ट करवाना था, लेकिन इसमें ऐसी टर्म्स है, सारी टर्म्स जो है चैप्टर टू की। अगर आपको चैप्टर टू आपने सही नहीं पढ़ा, ठीक है, सो आपको फिर ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो इस वजह से जो है मैं पहले चैप्टर टू स्टार्ट करवाऊँगी, जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ यूज टू कैरेक्टराइज मटीरियल। सो हम पहले चैप्टर टू पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 13 पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि जो है बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखें इसका इंट्रोडक्शन जो है मतलब बहुत बेसिक है, मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद रीड करें, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ना, क्योंकि ये स्टैंड बिल्कुल मेरे सामने है और मैं मोबाइल की स्क्रीन से ही रीड आउट करती हूँ, ठीक है। सो ये देखें, मैनी फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंसीडरिंग विच प्रॉपर्टीज़ आर रिलेवेंट टू द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ अ मटीरियल यूज इन डेंटिस्ट्री, ठीक है। मतलब हम उन्हीं मटीरियल को यूज़ करेंगे जो कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दे सके, हम उनको यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में। द सिचुएशन इन विच द मटीरियल इज टू बी यूज एंड द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर इट्स मैनिपुलेशन डिफाइन द प्रॉपर्टीज विच करेक्टराइज द मटीरियल, करेंगे जो सिचुएशन होती है ना जिसमें हम वो मटीरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो रिकमेंडेड टेक्निक है। बहुत ज़्यादा जूम कर दिया मैंने, अब ठीक है, ठीक है। जो रिकमेंडेड टेक्निक है फॉर इस मैनिपुलेशन, यानी इसके मैनिपुलेशन के लिए जो टेक्निक दी गई है वो डिफाइन करती है बेसिकली प्रॉपर्टीज़, जो जिसकी वजह से हम करेक्टराइज करते हैं मटेरियल्स को, ठीक है। लेबॉरेटरी टेस्ट भी परफॉर्म होते हैं एवलुएट करने के लिए मटीरियल को कि जो है मतलब किस कंडीशन में जो है वो एग्जेक्ट कर रहा है। सी टू मीन ओरिजिनल कंडीशन में जो एग्जेक्शन होती है ना वो होती है, सी टू ओरिजिनल ओरिजिनल एग्जिस्टेंस जो होती है किसी मटीरियल की वो कहलाती है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड समटाइम्स नॉट डिजायरेबल सिंस वन एम ऑफ इन विट्रो मीन इन लैब टेस्टिंग में, ये कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं होता, समटाइम्स डिजायरेबल भी नहीं होता कि हम जो है उसको विट्रो टेस्ट टू प्रेडिक्ट इज अ रैपिड लेबॉरेटरी टेस्ट व्हाट मे हैपन इन द माउथ ओवर नंबर ऑफ माउथ ईयर्स। ये कह रहे हैं कि मतलब हम जो है इसमें बिल्कुल बेसिक है कि हम जो है टेक्निक करते रहते हैं क्या या बहुत सालों से कि मतलब ये इन दी माउथ और मैनी ईयर्स के बाद ये इस मटेरियल का जो है यूज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पेशेंट को काफ़ी शिकायत हैं। सो इस तरह से जो है मतलब ये लेबॉरेटरी बेसिस पे ये सारी टेक्निक्स जो है हम यूज़ करते हैं। मैनी टेस्ट यूज टू एवलुएट डेंटल मटीरियल इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है कि और भी बहुत से टेस्ट हैं जो कि एवलुएट करते हैं डेंटल मटीरियल को, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं मेजरमेंट ऑफ सिंपल प्रॉपर्टीज सच एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो एवोल्यूशन है डेंटल मटेरियल की उसमें हम मेजरमेंट करते हैं बेसिकली सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हार्डनेस क्या है उसकी, ठीक है, जो कि कोरिलेट करते हैं क्लिनिकल परफॉर्मेंस से। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, मतलब ये ऐसे ही पढ़ा दिया, मतलब बुक में मैंशन था तो मैंने आपको पढ़ा दी कि भाई इसमें ये है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है अभी, तो जो है ना इसमें आगे जो चीज़ें आनी है ना वो बड़ी आपने याद रखनी है। मैनी मटीरियल यूज इन डेंटिस्ट्री आर सप्लाइड आर टू और मोर कंपोनेंट्स विच आर मिक्स टुगेदर एंड अंडरगो केमिकल रिएक्शन, ये कह रहे हैं कि मतलब मैं बहुत से मटीरियल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में और वो सप्लाइड करते हैं दो या दो से ज़्यादा, मतलब सप्लाइड होते हैं दो या दो से कंपाउंड के तौर पर विच आर जिसको हमने मिक्स किया होता है और जो कि केमिकल रिएक्शन के तौर पर बने होते हैं ड्यू टू विच द मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज। जाहिर सी बात है एक मटीरियल अलग है दूसरा मटीरियल अलग है, जब उनको मिक्स करेंगे, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट्स जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम मिक्स करेंगे तो क्या होगी उनकी जो मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनी इंप्रेशन मटीरियल सप्लाइड इज फ्लूइड पेस्ट, ठीक है, विच बिगेन टू सेट व्हेन मिक्स टुगेदर, मतलब फ्लूइड पेस्ट में थे लेकिन जब हमने उसको
कहाँ पे है, विच बिगन टू सेट, लेकिन वो सेट होना शुरू हो गए जब हमने उसको मिक्स किया, ठीक है। द सेट मटेरियल में भी रिजिड सॉलिड, मतलब सेट मटेरियल जो है रिजिड सॉलिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल रबर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब केमिकल नेचर क्या है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि सेट मटेरियल रिजिड सॉलिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल रबर भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है किसकी नेचर पर, केमिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द एक्सेप्टेंस ऑफ सच अ प्रोडक्ट बाय डेंटिस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द अनमिक्स पेस्ट, द प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड सेटिंग। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस है ना प्रोडक्ट की डेंटिस्ट के जरिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अनमिक्स पेस्ट हो गया हमारा, क्योंकि भाई उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग मिक्सिंग और सेटिंग, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी बेसिस पे, ठीक है, और क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट मटेरियल, मतलब सेट होने के से जब सेट हो जाता है मटेरियल तो उसके लिए क्या टेस्ट है हम लेबोरेटरी में, हमें क्या कैसे पता कि मटेरियल टेस्ट वो सेट हो गया है। तो वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो निडल वाला टेस्ट, वाइकेट निडल टेस्ट होता है और गिलमोर निडल टेस्ट होता है, जिससे हम जो है निडल वो हम मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो ये सारे टेस्ट मतलब हर स्टेज पे जो है हम जो है टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी पे, क्या टेस्ट होंगे ड्यूरिंग मिक्सिंग सेटिंग, किस तरह से पता चलेगा सेट मटीरियल किस तरह से, तो ये सब कह रही आप देखें टेबल 2.1 में। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज अप्लाई टू वर्चुअली ऑल ग्रुप ऑफ मटीरियल, तो देखते हैं 2.1 में क्या दिया इन्होंने। ये जो है इसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, सो ये क्या है, इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है एंड एसोसिएटेड टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट लेड फॉर मटेरियल और डिफरेंस ऑन एट डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्यूरिंग दियर स्टोरेज एंड यूज़। देखें ये है स्टेजेस ऑफ यूज़, ठीक है, और ये है प्रैक्टिकल, एक तो मोबाइल की सुनती प्रैक्टिकल इश्यूज़, और ये है टेस्ट रिक्वायर, मतलब प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या है, ठीक है। ये है स्टेजेस ऑफ यूज़, मतलब किस स्टेज पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल ये टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो अब पढ़ते हैं हम कि ड्यूरिंग स्टोरेज बिफोर यूज़ इन सर्जरी और लेबोरेटरी क्या होता है, कि रिक्वायर्ड मटेरियल टू कीप फ्रेश, हमें मतलब हम चाहते हैं कि वो मटेरियल जो है वो फ्रेश हो, ठीक है, और लंबे अरसे तक चले, यही होता है ना हमारा इशू हमारे साथ प्रैक्टिकल लेवल पे। तो ये कह रहे प्रैक्टिकल इशू ये फेस करने पड़ते हैं कि हम चाहते हैं कि वो मटेरियल जो है वो फ्रेश रहे और जो है लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल के काबिल हो, वो वेस्ट जो है उसकी मिनिमाइज हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, मटेरियल बल्क परचेजेस कैन बी मेड और बल्क परचेजेस जो है वो बन सके, ठीक है। सो ये हमारा प्रैक्टिकल इशू होता है। अब इसके लिए टेस्ट क्या रिक्वायर्ड होते हैं, टेस्ट होते हैं शेल्फ लाइफ, आप उसकी शेल्फ लाइफ देख लें, ठीक है, शेल्फ लाइफ मतलब आप कितने अरसे तक उस चीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायर डेट देख लें, मतलब वही बात हो गई, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर के आप ये चीज़ कब बनी थी और कब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और गिवन बाय मैन्युफैक्चर मतलब जो मैन्युफैक्चर ने के जरिए से दी गई होगी वो डेट। टेस्ट डेट सर्टेन बाय प्रॉपर्टीज आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट आफ्टर अ पीरियड ऑफ, और ये टेस्ट करें सर्टेन प्रॉपर्टी सर्टेन की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो कि मतलब टेस्ट करते हैं हम एक्सेप्टेबल लिमिट आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टोरेज, मतलब एक उसका जो है मतलब एक अरसा दिया है इस्तेमाल करने का, मतलब अब वो जो है हम देख रहे हैं कि आया इसको यूज़ किया भी जा सकता है, यानी एक्सेप्टेबल लिमिट देखते हैं उसकी आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टोरेज, मतलब जो स्टोरेज की डेट दी हुई है एक्सपायरी डेट, उसके बाद जो है एक दूसरे टेस्ट होते हैं जो कि लेबोरेटरी बेसिस पे होते हैं। अब सेकंड देखें ड्यूरिंग प्रोपोर्शनिंग मिक्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग, ये सारे जो है ना ये मतलब आपको जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आया हम क्या करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है ना चैप्टर टू में, तो उस पहले आपको पूरी जो है वो बता रहे हैं कि बेटा हम करते क्या है डेंटिस्ट्री में, बेसिकली होता क्या है क्या नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपको जो है मैंने बहुत मज़ेदार चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है चैप्टर 12। मुझे मतलब ये थोड़ा सा स्टार्ट में बोरिंग है, बाकी ये आगे बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें, ठीक है, क्योंकि यार बुक के स्टार्ट के चैप्टर जो है इंट्रोडक्टरी होते हैं तो थोड़े से बोरिंग लगते हैं आपको। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोपोर्शनिंग मिक्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। इजी एंड एक्यूरेट टू प्रोपोर्शन, मतलब हम कहते हैं कि इजी और एक्यूरेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, मिक्स करते हैं यूज़ करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो जो है
टपके ना, ड्रिप ऑफ मीन टपक नहीं टपके वो इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना, उसके साथ चिपके, शुड नॉट स्टिक टू इंस्ट्रूमेंट, हम यही हमारा प्रैक्टिकल इशू होता है ना। और उसके लिए टेस्ट हम क्या करते हैं, टेस्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी देखते हैं फॉर प्रोपोशनिंग की, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ प्रोपोशनिंग आर ऑन प्रॉपर्टीज, मतलब जी कितना आपने पानी लिया है, कितना आपने वाटर लिया है, प्रोपोशंस देखते हैं, टेस्ट स्पीड देखते हैं, इनकम्प्लीटनेस ऑफ